करते हैं जो मैंने आपको दिया है। हालांकि इसका फायदा जब होगा जब आप इसको पढ़ के अपने मतलब पहले से पढ़ के करेंगे तो सही रहेगा, पर चलिए आज ऐसे ही शुरुआत करते हैं। कल इसको पूरा रीड प्रिंट आउट कर निकाल लीजिएगा, जो भी पूरा इसको रीड करना है आप तो इसको अच्छे से समझ जी पाएंगे जी आप। बेसिकली फ्लो चार्ट्स वगैरह हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम को पेपर पे समझने के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोग्राम है तो वो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है हर एक चीज का, किसी भी प्रोग्राम का। बार शुरुआत में इसको समझना इतना आसान नहीं होता, तो इनके लिए पहले जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए हम इस राउंड फिगर का यूज करते हैं, इस ओवल का, ठीक है। देन प्रोसेस के लिए कंप्यूटर क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है जी। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के ऐसे याद कर लीजिए, स्टार्ट स्टॉप के लिए गोल वाले याद कर लीजिए। प्रोसेस का जो है आपका, जो मैंने बताया आपको, ये रेक्टेंगल बॉक्स बॉक्स है। इनपुट का जो है जिस तरह इस तरह से थोड़ा सा रेक्टेंगल है, तिरछा वाला, ठीक है जी। देन कोई डिसीजन होता है, जैसे इफ का फॉर्मूला लगाते हैं ना, डिसीजन यस और नो, तो उस जगह हम यूज करते हैं इस साइन का, तो जब कोई डिसीजन लेना होता है। देन आउटपुट के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है जी। बेसिकली इतने ही सिंबल है, इन दोनों को फिलहाल छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं ऑन पेज कनेक्टर, इसको कहते हैं ऑफ पेज कनेक्टर, जिसका यूज करते हैं जैसे मैंने कोई प्रोग्राम लिखा इसी पेज में, बहुत बड़ा है, ठीक है जी, उसके छोटे छोटे और सब पार्ट है, तो एक पेज पे आ सकता है, तो मैं यहाँ से इसको डाल के ब्रेक कर दूंगा और दोबारा से जैसे एक पॉइंटर देते हैं ना, इसको इस जगह लाऊंगा और यहाँ नीचे प्रोग्राम लिख दूंगा, ठीक है जी। इसको कहते हैं ऑफ पेज कनेक्टर, इसको सेम पेज पे यूज किया जाता है। ऑफ पेज का मतलब है कि किसी पेज नंबर 19 पे काम कर रहे हैं तो आपने लिख दिया पेज नंबर 26, तो मतलब इसके बाद आपको पेज नंबर 26 देखना है, ठीक है जी। तो ये करेक्टर इसलिए यूज होते हैं। बेसिक क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए ओवल, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, इनपुट के लिए तिरछा रेक्टेंगल, डिसीजन के लिए जिस तरह से डायमंड टाइप का बॉक्स है, डिस्प्ले के लिए ये अलग से फिगर है, ये यूज होता है। देन ऑन पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर और फ्लो लाइंस, इनको कनेक्टर ही कहते हैं, फ्लो लाइंस भी कहते हैं, कनेक्टर भी कहते हैं, एरो जो आपकी प्रोग्राम की दिशा निर्धारित करती है, ठीक है जी। अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, डिसीजन बॉक्स। ये वाला कौन सा हो गया, प्रोसेस बॉक्स। ये वाला कौन सा हो गया, इनपुट बॉक्स। ये वाला कौन सा हो गया, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। और ये वाला कौन सा हो गया, डिस्प्ले के लिए, आउटपुट के लिए, ठीक है जी। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टार्ट स्टॉप, डिसीजन। तो अब देखिए प्रोग्राम का फ्लो चलता कैसे, स्टार्ट कैसे होता है कोई भी प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम है, मान लीजिए ये कोई इंस्टीट्यूट है, इसको रियल लाइफ से जोड़ते हैं हम इन सब चीजों को। तो इसमें सबसे पहले होती है स्टार्टिंग, जो स्टार्ट स्टॉप तो आपको करना ही है, उसको तो बस आप इतना जान लीजिए, मैंने स्टार्ट किया, आपने आगे बढ़े। प्रोसेस क्या आया, गोज टू IICT सेंटर, ये कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्टूडेंट है, एडमिशन लेना है, तो वो क्या करेगा, पहले उसके सेंटर में जाएगा, तो ये हो गया प्रोसेस उसका, ठीक है जी। फिल द इंक्वायरी फॉर्म, जो फॉर्म होगा कोई भी, इस पे इनपुट देते हैं तो इसलिए उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है जी। देन प्रोसेस क्या हो जाएगा, अपीयर फॉर अ टेस्ट, टेस्ट दिया उसने, काउंसलिंग ली। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या हुआ, उसने क्या एंटर की, अपनी डिटेल इनपुट दिया, ठीक है जी। फिर पे द फीस, हाँ इंफॉर्मेशन देना और पेमेंट देना अलग अलग चीज है, इंफॉर्मेशन दिए, पेमेंट इसलिए प्रोसेस में। देन उस इस सारे प्रोसीजर का ऊपर से आउटपुट क्या आया, ज्वाइन द कोर्स एंड गेट द स्टूडेंट, ठीक है जी। देन स्टॉप,
तो ये सैंपल है वैसे प्रोग्राम का आपको समझाने के लिए कि प्रोग्रामिंग चलती कैसे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है एक प्रोग्राम, ठीक है जी। एक एक इंस्ट्रक्शन मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं और एक एक प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाता है और एक एक सॉफ्टवेयर मिलके आपका कोई सिस्टम बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी सिस्टम, ठीक है जी। तो ERP अच्छे वाले होते हैं सिस्टम। देन अब प्रोग्रामिंग के उसमें आते हैं कि मान लीजिए हमें दो नंबर ऐड कराने हैं आपस में, तो उनके लिए क्या प्रोग्राम बनेगा, स्टार्ट गेट द फर्स्ट नंबर गेट द सेकंड नंबर, स्टार्ट इनपुट फर्स्ट नंबर इनपुट सेकंड नंबर, देन प्रोसेस क्या हुआ ऐड, क्योंकि वो कंप्यूटर का काम है ना, तो उसे करने दीजिए प्रोसेस में आया डिस्प्ले द रिजल्ट आउटपुट के लिए ये हमेशा, ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम हो गया आपका दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही सैंपल दिखा देता हूं कि अपना VBA स्टार्ट कैसे होता। आप एक्सेल खोलेंगे, सबसे पहले VBA के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डेवलपर टूल बार, ठीक है जी। डेवलपर टूल बार कहां से आएगी, आप एक्सेल ऑप्शंस में जाएंगे, यहां से फाइल बटन से एक्सेल ऑप्शन एंड यहां से डेवलपर टूल बार को चेक कर दीजिए। अगर आप 2010 वगैरह यूज कर रहे हैं या 13 यूज कर रहे हैं तो उसमें कस्टमाइज के अंदर ये चीजें होती है, ठीक है। उसमें कस्टमाइज के लिए चेक बॉक्स होगा, वो अनचेक रहेगा उसको चेक कर दीजिएगा, सारी टैब्स उसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। देन इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें इंटरेस्टिंग फीचर आपके लिए क्या है कि कोई भी कोडिंग हो, ज़्यादा कोडिंग समझने के मतलब थोड़ी बहुत समझ आती है, आप लिखना नहीं चाहते क्योंकि ऑप्शन बहुत, कोडिंग भी बहुत लेंदी होने वाली है, आपके पास होता है रिकॉर्डिंग मैक्रो का ऑप्शन। सो कैसे यूज करना मैं बताऊंगा, तो आप कोई भी मैक्रो जो भी आप यहाँ करते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोबारा चला सकते हैं। लेट सपोज मैं कौन सा एक यूज करता हूँ, एक रिकॉर्ड मैक्रो किया मैंने, मैक्रो वन है, किसी को भी शॉर्टकट असाइन कर सकता हूँ कंट्रोल के साथ, क्यू दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, ठीक है जी। ओके कर दिया मैंने, अब मैं देखूंगा यहाँ पे आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, यही बटन आपका यहाँ पे भी नीचे, ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें एक एरिया ले लेना है, मैंने लिया 10 तक, देन मैंने क्या किया इसमें बॉर्डर अप्लाई कर दिए, देन मैंने क्या किया इसमें ऊपर कलर भर दिया यहाँ, और यहाँ कुछ और कलर अप्लाई कर दिया सिलेक्ट करके, यहाँ से अलग कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, स्टॉप मैक्रो यहाँ से कर दूंगा या डेवलपर में जाकर। तो जब मैं मैक्रो का ये देखता हूँ बटन, तो खोलता हूं तो मेरा मैक्रो वन आपको दिखा रहा है बना बनाया, ठीक है जी। किसी भी शीट में जब मैं जाके देखता हूं और मैक्रो करके जब रन मैक्रो करता हूं तो ये वही फॉर्मेट वहां अप्लाई कर देगा, ठीक है। जो भी आप काम करेंगे वो अप्लाई कर देगा। इसके पीछे हुआ क्या है एक्चुअली, तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्रो में जाके या तो एडिट में चले जाए तो डायरेक्ट उस जगह पहुंच जाएगी, बट मैं आपको इसके लिए VBA का इंटरफेस का आपको दे देता हूं। विजुअल बेसिक है, इसको प्रेस करेंगे या फिर Alt F11 प्रेस करेंगे, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो एक अलग से एप्लीकेशन बन के आ जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए एक्सेल अलग है, ये अलग है, ये विजुअल बेसिक अलग है, पर है इससे कनेक्टेड, ठीक है जी। दूसरा, जितनी शीट्स होंगी यहां पे उतनी शीट्स आपको दिखाई देगी, ठीक है। हम जो है VBA के अंदर मॉड्यूल में काम करते हैं, मॉड्यूल एक ऐसा होता है जो आपके मैक्रो को कंटेन करता है। आप इस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल आपका दिख गया। अब हमने रिकॉर्ड मैक्रो किया तो एक मॉड्यूल ऐड हुआ और मॉड्यूल में ये मैक्रो वन जो था उसका सब प्रोसीजर बना, ठीक है जी, और उसकी कोडिंग ये आपके सामने। तो एक्सेल के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ज्यादा कोडिंग याद करने की जरूरत नहीं, जब मन चाहे रिकॉर्ड मैक्रो यूज कीजिए,
और उसकी कोडिंग ले लीजिए, जहाँ जहाँ आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं समझाऊंगा कैसे समझना है, डायरेक्टली हार्ड कोड पे नहीं आएंगे हम। तो ये आपका मॉड्यूल है, आप कितने ही मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, कहाँ से करेंगे, इंसर्ट में जाके मॉड्यूल, मॉड्यूल की यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हैं आप चाहे जो मर्जी। ठीक है जी, तो हम मॉड्यूल वाइज कोडिंग करते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी जरूरी चीज कि जब भी हम अपनी फाइल को सेव करें तो ये जो होनी चाहिए एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक में सेव कर देंगे तो आपकी वीबीए की कोडिंग उड़ जाएगी। ठीक है जी, अब वीबीए में जब भी क्लिक करेंगे तो वो मैक्रो दोबारा आपको दिखेगा नहीं। तो पहली चीज ध्यान में रख लीजिए कि जो भी आप सेव करेंगे आगे से मैक्रो इनेबल्ड फाइल में सेव करेंगे, और जिसका साइन है कि आपकी किसी भी फाइल के ऊपर दे या आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखाई देगा। ठीक है जी, तो इसको आप चाहें तो अपने फाइल के डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं। फाइल बटन में एक्सेल ऑप्शन में सेव ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ से उसका डिफॉल्ट चूज कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत में आप लोग ये गलती बहुत बार करेंगे। ठीक है जी, तो डिफॉल्ट में सेव करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं। ये फाइल कोई भी खोल सकता है बड़े आराम से, एक्सेल की एप्लीकेशन जहाँ भी होगी वो फाइल आराम से खुल जाएगी, तो इसकी चिंता ना करें कि अगर अलग फॉर्मेट में सेव करिए तो अगले पे खुलेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे एक कोडिंग जनरेट हो गई, ये वही इंस्ट्रक्शंस है, इसको इनमें ऐसे कोड किया जाता है, बट इस कोडिंग को आपसे कैसे जोड़ना है वो हम सीखेंगे पीएलटी के जरिए। तो अब इसमें हमने क्या किया, पहले दो नंबर ऐड किए, देन हम क्या करेंगे, सम ऑफ फाइव नंबर, एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, एक्सेप्ट सेकंड नंबर, क्या हुआ, स्टार्ट इनपुट 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 इनपुट, पांचों नंबर इनपुट हुए, प्रोसेस में क्या हुआ, पांचों ऐड हुए, फिर रिजल्ट में क्या आया, सम डिस्प्ले हो गया, स्टॉप। ठीक है, देन आगे चलते हैं, डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड ए स्पेसिफाइड नंबर, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि यूजर कोई भी नंबर एंटर करे और वो दो से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट हुआ, इनपुट यूजर ने क्या किया, एक नंबर डाला, प्रोसेस क्या हुआ, वो दो से मल्टीप्लाई हो गया, देन रिजल्ट शो हो गया, स्टॉप। ठीक है जी, देन इसी में आगे बढ़ते हुए अब देखिए कि दो चीजें होती हैं आपके पास, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, नाउन और प्रोनाउन आपने सुने होंगे। अगर सिंपल फॉर्म में कहें उसको तो वेरिएबल जो होते हैं स्टोरिंग स्पेस होते हैं, जैसे एक्सेल में तो आपको दे दिया गया है कि सेल है, आप लिखेंगे तो यहाँ पे रहेगा, पर वीबीए में कैसे सेव करेंगे, क्योंकि ये कोडिंग है। तो इसके अंदर जो सेव करने का ऑप्शन होता है वो ये दो चीजें होती हैं, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, वेरिएबल क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, तो वेरिएबल जो होती हैं ऑलमोस्ट हेडिंग होती हैं आपकी। अगर मैं बोलूं नेम, नेम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और राम श्याम सीता गीता वो सब क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए। तो नेम मेरा टाइटल हो गया, कहने का मतलब हेडिंग हो गए, टाइटल, बाकी उसके अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो नेम के अंदर क्या कंटेन कर रहा है, अब नेम को मैं ऐसे नहीं जोड़ रहा कि मैं जैसे एक्सेल में हेडिंग लिख देता हूँ, मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ जैसे कि ये सेल है मेरी F1, तो मेरा वेरिएबल जो हो गया वो हो गया F1, और इसके अंदर जो वैल्यू पड़ेगी वो हो गई कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, इसको क्यों यूज करते हैं, F1 इसलिए यूज हुआ है ताकि मुझे F1 की कहीं जरूरत पड़े तो मैं F1 का रेफरेंस ले सकूं। क्या होगा, जो मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी,
किसके जरिए, एफ वन के जरिए। तो जहां भी मुझे इस वैल्यू की जरूरत होगी मैं एफ वन यूज करूंगा, तो फिर डायरेक्ट बार बार वैल्यू लिखता रहूंगा दिक्कत हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने इस जगह को इसी ऑप्शन को वेरिएबल क्यों यूज करना है हमने, मैंने इसमें लगा दिया डॉलर, इसको ड्रैग कर दिया, इसको मैंने कई ऐसी ऐसी जगह यूज किया प्रोग्रामिंग में अपनी कि मुझे भी नहीं पता, अलग अलग जगह। तो अब जब मुझे बात चेंज आई कि कुछ गड़बड़ हो गई, अब मुझे वैल्यू चेंज करनी थी, तो मैं क्या इन सब में जा जाके बार बार वैल्यू चेंज करूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने वेरिएबल बनाया तो एक जगह वैल्यू चेंज करते ही सब जगह अप्लाई हो जाए। तो प्रोग्रामिंग का ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, ताकि एक ही चेंजेस से हमारा पूरा प्रोग्राम चेंज हो सके। ध्यान रखिए कि हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है जी, तो इन वैल्यूज के साथ कम डील कीजिए, वेरिएबल्स के साथ ज्यादा। तो अब इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी अपना वेरिएबल है और कौन सा कॉन्स्टेंट है, ठीक है जी। जैसे एज का है तो क्या होगा, जवाब दीजिए, एज क्या हो गई हमारी, हाँ वेरिएबल। एड्रेस वेरिएबल, एड्रेस भी वेरिएबल होगा, हाँ। 21 21 नहीं होगा, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, करेक्ट। और ये इसी तरह से नेम जो हो गया वेरिएबल, और ये अपने जो हेनरी जो है अपना कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ गए क्या चीज है। अब हम यूज करेंगे इसको, ठीक है जी, प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है वो दिखाते हैं। तो हमारे पास किसी कोई मतलब मान लीजिए बिलिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। अब क्या है, हमारे पास रेट है, अब क्वांटिटी तो कस्टमर बताएगा कितनी लेनी है, हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। रेट तो हमने फीड कर दिए, क्वांटिटी कस्टमर से फीड कराएंगे, तो हमें इसमें वेरिएबल्स क्या क्या चाहिए। वेरिएबल्स से पहले, वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, आप अभी दो टाइप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जैसे ही प्रोग्रामिंग पे आएंगे बहुत सारे टाइप देखूंगा। तो पहली चीज करेक्टर, और करेक्टर में जैसे मैं हेडिंग लिखता हूँ, तो अब मुझे जानने के लिए कि ये अगर मैं करेक्टर नेम लिखता तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो मुझे पता नहीं पड़ेगा कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है कि अल्फाबेटिक वैल्यू है, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगा रहा हूँ सी, करेक्टर के साथ सी और न्यूमेरिक के साथ एन, मतलब जो वैल्यू मेरी कैलकुलेट होनी है वो मैं न्यूमेरिक में डालूंगा, और जो वैल्यू कैलकुलेट नहीं होनी है, मतलब नेम कैलकुलेट नहीं होता और एड्रेस कैलकुलेट नहीं होता, तो इस तरह की चीजें जो मैं कैरेक्टर में डालूंगा, हमने डेटा डिफाइन कर, ठीक है। तो कैरेक्टर का आगे सी प्रीफिक्स लूंगा, तो पहला हमने वेरिएबल लिया कैरेक्टर, सी आइटम नेम, और बाकी वेरिएबल लिया हमने न्यूमेरिक, एन प्राइस, एन क्वांटिटी एंड एन वैल्यू, प्राइस एंड प्राइस क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो पहले मैंने क्या किया, इनपुट लिया सी आइटम नेम, आइटम का नाम लिया, फिर क्या किया, इनपुट लिया एक्सेप्ट एन प्राइस, एन प्राइस डाला, देन एक्सेप्ट एन क्वांटिटी, क्वांटिटी डाली कितनी क्वांटिटी है, अब एन वैल्यू मेरी कैलकुलेट होके आ रही है, एन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एन क्वांटिटी, ठीक है जी। लास्ट में क्या दिखाएगा, डिस्प्ले सी आइटम नेम एन वैल्यू। तो मतलब क्या है कि ये तीन एंट्री की वैल्यू मेरी कैलकुलेट होकर आ गई, और मैंने उसे डिस्प्ले कर दिया कि ये आइटम है इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है जी। ये प्रोग्राम बनाया मैंने, यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना, इसके कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये आपकी बेसिक चीज है, बेसिक एबीसीडी जिसे कहते हैं ना प्रोग्रामिंग की, वो यहीं से स्टार्ट है। यहां तक तो ठीक था, आपने एक फॉर्मूला बनाया और नॉर्मल फॉर्मूला, बस प्लस माइनस जो आप पहले करते थे वो यही थे, ठीक है जी। फिर आपने लॉजिकल फॉर्मूले सीखे, इफ एल्स यूज करना सीखा, तो उसका क्या हो गया, डिसीजन,
तो यहाँ हमारा इंट्रोड्यूस हुआ डिसीजन बॉक्स और प्रोग्राम यहाँ से चेंज होता है। यहाँ प्रोग्रामिंग की पावर आती है वो यहाँ से आती है। तो हमें ये चेक करना है कि नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। ठीक है जी, हमने क्या लिया, पहले प्रोसेस में जो भी हम डिक्लेरेशन कहते हैं, इनको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है जी, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, फिर बाद में उसे वैल्यू देते हैं। ठीक है जी, तो वैल्यू डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज मेरी आगे यूज होगी, इसको मेमोरी में सेव करके रख लो। ठीक है जी, मेमोरी में उसने टाइटल सेव करके रख लिया कि भाई सब जब भी मांगोगे तब मैं यूज हो जाऊंगा। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आप यूज भी नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग का मेथड यही कहता है, बट एक्सेल में आप कर सकते हैं, पर हम अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से चलेंगे ताकि इसके अलावा कभी फ्यूचर में और भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहे तो आपका बेसिक डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्योंकि ये VBA जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, आपको आराम देगी। ठीक है जी, तो देन अब इसने क्या किया, एन नंबर ये डिक्लेरेशन किया, फिर उस नंबर पर एक्सेप्ट करवाया। अब कंडीशन आ गई, अपना इफ वाला फॉर्मूला जो आ गया, क्या नंबर है मोड बाय 5 इक्वल टू 0। मोड वाला आपको मैंने बताया था ना, मोड क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है, तो क्या हो जाएगा, यस के केस में डिस्प्ले डिविजिबल बाय 5 और नो के केस में डिस्प्ले डिविजिबल बाय 5 नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इसमें गेम किसका आया, अपना ये फ्लो लाइंस का, लाइंस जो आई यहाँ से डिसीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है जी, तो इफ यस के केस में आपका ये आ गया, नो के केस में ये आ गया, तो फ्लो कैसा चला, यस में यहाँ से गया डिस्प्ले किया और फिर नीचे उतर के यहाँ से घूम के स्टॉप, और नो के केस आया तो सीधा गया डिस्प्ले किया नॉट डिविजिबल 5 यहाँ जाके एंड हो गया। ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है सर, तो इफ एल्स कैसे अप्लाई करना है पता पड़ गया, इफ एल्स का बात है, प्रोग्रामिंग का कैसे चलता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब देखिए थोड़ा प्रोग्राम, ठीक है, डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबरों में सबसे बड़ा कौन सा है, कैसे पता पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला बनाना हुआ, मतलब प्रोग्राम बनाना हुआ। पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमने 4 वेरिएबल लिए, 1, 2, 3 एंड एन लार्जेस्ट, तीनों नंबर एक्सेप्ट करवाए, इनपुट करवाए। ठीक है जी, अब कंडीशन का खेल है सर यहाँ पे, इफ का जैसे हम नेस्टेड इफ लगा देते हैं वही चीज है। क्या हुआ, इसने क्या चेक किया, इज नम 1 इज ग्रेटर देन नम 2, अगर यस है तो क्या होगा, एन लार्जेस्ट में इसने नम 1 को सेव कर दिया। ठीक है जी, एन लार्जेस्ट में नम 1 सेव, अगर नो है तो एन लार्जेस्ट में नम 2 को सेव कर दिया, क्योंकि अगर नहीं है तो दूसरा ही बड़ा है। फिर इसने क्या किया कि एन लार्जेस्ट में तो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू पहली कंडीशन से नम 1 नम 2 से सेव हो गई, तो इसने अगली कंडीशन में क्या चेक कराया कि इज नम 3 इज ग्रेटर देन एन लार्जेस्ट और नॉट। उसमें क्या हुआ, अगर नम 3 बड़ा हो जाता है एन लार्जेस्ट से तो डिस्प्ले नम 3, अगर नहीं होता तो एन लार्जेस्ट दिखा दी। ये प्रोग्राम क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी सर, थोड़ा सा क्लियर है ये? हाँ, बता देना सर जहां हार्ड हो तो थोड़ा सा बता देना, क्योंकि ये घूमता ही जाएगा फिर हार्ड। अभी तक तो मेरे हिसाब से तो इतना हार्ड हुआ नहीं होगा, बट चलते हैं। अब हमें चेक करना है कि कहीं हमने कोई प्रोग्राम बना रखा है। अब कई बार क्या होता है कि लोग उल्टे लोग होते हैं, कभी नेगेटिव वैल्यू डाल दिया, और एज जो होती है वो नेगेटिव में तो होती नहीं, तो उसके लिए चेक करने का प्रोग्राम है, और इसमें नेगेटिव के साथ ही जीरो भी चेक कर ले रहा है कि कहीं जीरो तो नहीं डाल रखे। ठीक है, तो एज न्यूमेरिक एन एज करके इन्होंने एक वेरिएबल लिया, एज एक्सेप्ट करवाई, इज एन एज इक्वल टू 0, अगर वो 0 है तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, एज कैन नॉट बी 0। अपने वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे, सेम यही मेथड फॉलो होता है,
अगर जीरो नहीं है तो क्या एज जो है जीरो से बड़ी है, ठीक है जी। अगर है तो एज दिखा देगा, नहीं है तो क्या दिखाएगा, डिस्प्ले एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। अगर जीरो से बड़ी नहीं, अगर जीरो होती तो यहाँ फंस जाती ये डिस्प्ले करके, यहां से ये इसके एंड तक आ गया, ठीक है जी। मतलब इसने क्या किया, इफ यहां लगाया, यस यहां से करके एंड करा दिया, फिर एल्स में चेक किया एक और कंडीशन कि एक और इफ लगा दिया कि यहाँ क्या है, यहाँ जीरो से बड़ा है तो ये डिस्प्ले कराया, नहीं ये डिस्प्ले किया, फिर एंड, ठीक है जी। फॉर्मूला में कैसे लगाएंगे पता है आपको, तो उसी तरह से यहाँ पे दिखा दिया। हालांकि आप लोगों ने एक्सेल इतनी कर ली है, जहां तक मेरे ख्याल से इनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देन आपके आते हैं, अभी तक इफ एल्स तक तो आपने समझा, इफ एल्स को समझना अभी तक बहुत आसान रहा है, बट इसके बाद जो गियर शिफ्ट हो रहा है लूप्स पे, ठीक है जी। लूप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं हमारे लिए। लूप्स का मतलब ये होता है कि इसमें फ्लो क्या करता है, कंडीशन पे यस नो तो चेक करेगा, पर किसी एक पैटर्न पे वापस चला जाता है, ठीक है जी। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये नीचे डिस्प्ले नहीं करेगा, ये इसी में घूमता रहेगा, इसको कहते हैं लूप, ठीक है जी। और इसके फॉर्मूले भी इसी तरह से डिजाइन होते हैं, तो लूप्स के फॉर्मूले बताता हूं, मतलब क्या डिफरेंस होता है बेसिकली इनमें। इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 10 इवन नंबर, मतलब आपस में सब जितने भी 10 नंबर जो पड़ेंगे वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, वो भी इवन नंबर, ठीक है जी। तो इसमें इन्होंने क्या लॉजिक लिया है, न्यूमेरिक के तीन वेरिएबल लिए हैं, एन नंबर, एन प्रोडक्ट, एन इवन, ठीक है जी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, नंबर पर को सेव करने के लिए, इवन क्या है, ये इवन को काउंटर के तौर पर चलाया है कि कितने हो गए, 10 हो गए कि नहीं, ठीक है जी। अब आगे क्या किया इन्होंने, एन नंबर में 2 दे दिया, एन इवन में 0 दे दिया, एन प्रोडक्ट में 1 दे दिया। प्रोडक्ट में 1 क्यों दिया, हर एक का एक लॉजिक है। प्रोडक्ट में 1 इसलिए दिया इन्होंने कि यहां प्रोडक्ट के केस में होना है मल्टीप्लीकेशन, और अगर यहाँ 0 दे दिया तो 0 जब मल्टीप्लाई करेगा किसी भी वैल्यू को तो उसको भी 0 कर देगा, तो यहाँ 1 जरूरी था। दूसरा, एन इवन में 0 क्यों दिया है, क्योंकि ये गिनेगा कितने बार हुआ, तो 0 में जब आप प्लस करते हैं 1 तो प्लस हो जाता है, प्लस 2, प्लस 3 ऐसे चलना है, प्लस के केस में चलना है तो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है जी। और इवन नंबर जो है आपके कैसे पता पड़ेंगे, इससे 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक को तो गिनने का फायदा ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का उसका कोई फर्क पड़ना भी नहीं, तो इवन नंबर की बात, इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट क्या क्या किया इन्होंने, यहां से सीधा नीचे आए, यहाँ पे एन प्रोडक्ट में क्या किया, एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, ठीक है जी। एन नंबर कितना था अपना, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो 2 आया। और ये देखिए इसमें ना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, जैसे कि इसमें बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन नहीं होता, ये असाइनमेंट है, मतलब यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो इस वेरिएबल में चली जाएगी, फ्यूचर में एन प्रोडक्ट को आप जब भी यूज करेंगे तो इसके अंदर वो आपको वैल्यू मिलेगी। तो एन प्रोडक्ट में पहले से 1 था, इस केस में क्या होता है कि पहले कुछ भी वैल्यू रही हो आगे ये हो जाएगी, तो मतलब लास्ट जो इसकी प्रीवियस वैल्यू जो 1 थी वो इसने यूज करी, कैलकुलेट होने के बाद जो नई वैल्यू आएगी वो एन प्रोडक्ट में चली जाएगी और इसका कोई वो नहीं रह जाएगा, एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, तो एन प्रोडक्ट में वैल्यू रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। देन हम नीचे गए, इन्होंने क्या किया, एन नंबर इक्वल टू एन नंबर प्लस 2, ठीक है जी। 2 को क्यों किया, इवन नंबर कह रहे हैं कुछ तो लॉजिक चाहिए, इवन कैसे जाएंगे, तो पता है एक छोड़ के एक जाना, तो 2 2 4 2 6 2 8 इनका मल्टीप्लीकेशन करना होगी 10 वैल्यूज का, तो नंबर इक्वल टू एन नंबर प्लस 2, तो कितना नंबर था हमारा, 2 था,
दो चार हो गए n नंबर में, ठीक है जी। अब बात रही गिनने की, ये जो प्रोसेस चला वो कितनी बार चल गया हमारा, एन इवन में जो वैल्यू थी जीरो थी, जीरो प्लस वन वन हो गई, तो अब एन इवन के पास क्या है, वन है, ठीक है जी। इसने क्या चेक किया, एन इवन लेस देन टेन, क्या एन इवन टेन से छोटा है, अगर है तो क्या करना है, वापस चले जाना है इधर। अब देखिए जो भी कैलकुलेशन होके आई थी, एन प्रोडक्ट के पास अब नई वैल्यू है, क्या है, एन प्रोडक्ट के पास दो है, क्योंकि तो इसने पहले मल्टीप्लाई किया था दो एक दो, तो अब क्या हुआ, एन नंबर में क्या वैल्यू आई, चार, तो चार मल्टीप्लाइड बाय दो, चार दूनी आठ, तो एन प्रोडक्ट में आठ चले गए। एन नंबर में क्या हुआ था, चार पे चल रहा है वो, चार हो गए थे यहां पे, तो चार प्लस दो छह, और ये क्या हुआ, यहां पे एक आ गया था, एक प्लस एक दो, ठीक है जी। तो जब तक ये दस नहीं होगा, ये प्रोसेस ऐसे ही घूमता चला जाएगा, ठीक है जी, और इसका रिजल्ट लास्ट में जितना भी आएगा वो दिखा देगा, ठीक है जी। ये प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन समझ आया, क्लियर है सर? तो ये लूप का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास तीन चार तरह के लूप होते हैं एक्सेल में जो हम यूज करते हैं, अलग अलग तरह के, वो भी मैं समझाऊंगा। देन हमारे पास है काउंट द नंबर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। मान लीजिए एक यूजर है, नंबर डालता जा रहा है, या कोई लिस्ट है जिसमें नंबर पड़े, तो हमें ये पता लगाने हैं कि इसमें कितने ऑड नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं। जरूरी नहीं वो सीरियल वाइज ही हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो किसी लिस्ट में से या किसी वैल्यू में से, या यूजर एंट्री कर रहा है उसमें से कितने ऑड डाले, उसमें कितने इवन डाले। तो ये प्रोग्राम चला हमारा, इसके लिए वेरिएबल क्या लिए, न्यूमेरिक एन नंबर, एन ऑड, एन इवन, एन काउंट। देखिए n नंबर जो है, जो यूजर नंबर देगा वो सेव करेगा, n ऑड क्या सेव करेगा कि ऑड कितनी बार आया, n इवन क्या करेगा कि इवन कितनी बार आया, n काउंटर क्या करेगा, जो हमारा ये ध्यान रखेगा कि लूप कितनी बार चला, ठीक है जी। हालांकि इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ऑड और इवन को, तो हमें पता पड़ ही जाएगा, पर हम ये इनके चक्कर ही नहीं पालना चाहते, हम कहते हैं हम अलग ट्रैक रखते हैं, तो n काउंटर उसके केस में, ठीक है। तो उसमें पहला हमने क्या किया, यूजर से नंबर एक्सेप्ट कराया, अगर दो से डिवाइड और डिवाइड होकर रिमाइंडर उसका जीरो आता, मॉड टू, एन नंबर मॉड टू इक्वल टू जीरो, तो यस में क्या करेगा, वो इवन में जोड़ लेगा, एन इवन में जो भी वैल्यू थी प्लस वन कर देगा, तो अभी जीरो जीरो थी, वन हो गया अगर ऐसी वैल्यू पड़ी। अगर दो से रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो ये क्या करेगा, ऑड में प्लस करेगा, तो इवन ऑड में ये इस डिसीजन पे प्लस माइनस करते रहेंगे। देन उसके बाद रिटर्न करेंगे और एन काउंटर अपना काम करेगा, चाहे माइनस में गया, चाहे इवन में गया हो, चाहे ऑड में गया हो, ये क्या करेगा, काउंटर हर बार प्लस करेगा। तो हाँ, इसमें क्या है, इसमें यहाँ दिया नहीं था, बट इसमें इन्होंने काउंटर को यूज किया है कि जब तक ये 50 वैल्यू पूरी ना हो जाए, मतलब यूजर से 50 एंट्री करवानी है, एनकाउंटर इसलिए यूज किया कि जब 50 के बराबर हो जाए तो क्या करना है, रोक देना है, ठीक है जी। रोक के क्या दिखाना है, डिस्प्ले एन ऑड एन इवन, यानी इवन ऑड ने जो जो काउंट किया था वो डिस्प्ले कर दे, नहीं तो चलता रहेगा यहां तक 50 वैल्यू का, यही प्रोसीजर, ठीक है जी। ये क्लियर है सर? जी, 3.3 आगे देख लेता हूँ मैं कि कितना है, फिर उसमें आगे चलते। हालांकि मैं ऑलमोस्ट बाकी इसमें क्या करता हूँ, मैं आपको आगे टास्क दे देता हूँ, आगे के आप पढ़ो, क्योंकि कुछ भी नया नहीं आने वाला है,
इनके अंदर, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। इसमें क्या आएगा, एक ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर होगा, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस होगी, जो मॉड्यूल बनाते हैं ना, मॉड्यूल इसमें आपको समझ आ जाएगा क्या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए ये सिंबल लगेगा। ठीक है जी, ये सिंबल क्या है, जैसे मल्टीप्लाई का और डिवाइड का है, ऐसा बना दिया, ये कनेक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं। तो ये डिवाइड का यहाँ बना के ये यहाँ डिवाइड का प्रोग्राम लिख दिया, रिटर्न क्या करेगा, वापस यहीं चला जाएगा, फिर इसी फ्लो के साथ बनेगा। ठीक है जी, डिवाइड का इस पर आया, इस पर पूरी तरह से चला, इसी तरह मल्टीप्लाई का जो था ये प्रोसीजर फॉलो हुआ, फिर इस पर वापस हो गया। ठीक है जी, रिटर्न कर जाएगा आपस में। तो बाकी इसमें एक्सरसाइजेज है जो भी है, आप उसको कल पूरी तरह से प्रैक्टिस करें, अगर जरूरत होगी तो इस पर मैं दोबारा कल आपको और समझाऊंगा, बाकी मेरे ख्याल से आसान है, उसके बाद आप देख सकते। ठीक है, इसको छोड़ देना। एक्सेल ठीक, एक्सेल में प्रॉब्लम है सर। हाँ जी, अगर कमेंट्स को प्रिंट करवाना तो कैसे करवाएंगे? कमेंट्स को फाइल के साथ? अच्छा, प्रिंट करवाना है पहले तो आप? हाँ, डेटा के साथ ही। हाँ, तो इसमें वो होता है ना आपके प्रिंट में शायद ऑप्शन होता है, मैंने वैसे कभी किया नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता है हो जाता है। तो रिव्यू में आपके यहाँ कमेंट होते हैं, अगर कोई कमेंट आपके पड़े तो शो ऑल कमेंट कर देंगे, तो पहले से दिखने लग जाएंगे जहाँ जहाँ भी कमेंट होंगे आपके। ठीक है जी, पहले तो शो ऑल कमेंट कर देंगे तो सारे दिखने लग जाएंगे। बाकी प्रिंट के अंदर ही मेरे ख्याल से सेटिंग होगी इसकी। इसमें चले जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट यहाँ कोई कमेंट डाली है मैंने, इसके अंदर कोई कमेंट है, ऐसा करता हूँ यहाँ से करके। पेज सेटअप में शीट कमेंट, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये शीट में होगा। पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल वाला सेक्शन है। ठीक है जी, पेज लेआउट में जाएंगे, ये प्रिंट टाइटल का या पेज सेटअप का सेक्शन है, कोई भी इसको खोल लीजिए। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा शीट के अंदर कमेंट, एट द एंड ऑफ द शीट एज डिस्प्ले ऑन शीट। ठीक है जी, ओके कर देंगे, देन जब इसका प्रिंट प्रीव्यू खोलेंगे तो ये आपको कमेंट भी दिखा देगा। प्रिंट भी आ जाएगा तो साथ में? हाँ जी, अब प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है तो प्रिंट में भी आएगा ना। तो पेज लेआउट में जाकर? हाँ, पेज में आ जाएगा, जैसे आप सेट करेंगे वैसा ही आ जाएगा, ऑप्शन है। ऑप्शन पेज लेआउट में जाकर है ना? पेज लेआउट में जाकर, शीट में जाकर? हाँ, पेज लेआउट में, और ये जो पेज लेआउट में जब आप पेज सेटअप खोलेंगे ना, तो ये शीट के कुछ ऑप्शन तब एक्टिवेटेड होते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में कर रहे होंगे तो ये वाले ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं होते। ठीक है जी, तो यहाँ पेज लेआउट से ही आएंगे आपके यहाँ पेज सेटअप। राइट सर। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, फिर आज